हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विस्तृत जीके की सीरीज में मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। यदि हम बात करें मिट्टी की, तो किसी वनस्पति या पेड़ पौधों के उगने के लिए वो आवश्यक तत्व जो हमें मिट्टी की इस ऊपरी परत से मिलते हैं, या उन पौधों के उगने में सहायक तत्व जो मिट्टी की ऊपरी परत हमें प्रदान कराती है, उसे हम मिट्टी कह सकते हैं। डॉक्टर हेमंत बेनेट के अनुसार हम देख सकते हैं कि धरातल की ऊपरी परत वह ऊपरी परत जो पत्थरों के टूटने तथा वनस्पतियों एवं जीवांशों के सड़ने गलने से मतलब जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ के मिलने से जो हमें प्राप्त होती है उसे हम मिट्टी कह सकते हैं। हम बात करते हैं यदि मिट्टी की, आज का हमारा टॉपिक है मिट्टियां। तो किसी प्रदेश की वनस्पति एवं कृषि क्षेत्रों के निर्धारण में मिट्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम बात करते हैं यदि मध्य प्रदेश की मिट्टियों को, तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की मिट्टी के वर्गों की, तो मैं एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जल्दी बना रहा हूँ नक्शा, तो सेम वैसा का वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूँगा। सामान्य तौर पर हम इसे मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा है। यदि मिट्टियों के 5 प्रकारों की हम बात करते हैं, 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 5 प्रकारों की हम बात करते हैं, तो पहला हमारा प्रकार आता है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे तो संपूर्ण मध्य भारत का क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होगा। लगभग यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है। उसके बाद हम बात करेंगे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और एक होती है सामान्य काली मिट्टी या हल्की भूरी मिट्टी। तो हम बात करते हैं साधारण काली मिट्टी की, तो साधारण काली मिट्टी सबसे अत्यधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी घेरती है मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर पर आती है हमारी गहरी काली मिट्टी, जो कि नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद तीसरे हम देखते हैं तो लगभग ये छिछली काली मिट्टी, ठीक है। इस प्रकार से हमने काली मिट्टी को देखा, ये पूरा क्षेत्र हमारा काली मिट्टी का है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं तो लगभग ये क्षेत्र है लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मिट्टियों का एक प्रकार है जिसे हम भारत की मिट्टियों में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में लेटराइट मिट्टी को विस्तृत रूप में नहीं देखा गया है और इसका विस्तृत विवरण भी मध्य प्रदेश की मिट्टियों में हम नहीं देखने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्षेत्र आता है लेटराइट मिट्टी का, जो कि मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बता दिया यहाँ पर। तो ये क्षेत्र लेटराइट मिट्टी का होता है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये वाला जब लेटराइट के क्षेत्र को कम कर देते हैं, तो ये जो ये क्षेत्र आता है, ये आता है मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र। ये जो मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसमें 3 प्रकार की मिट्टियां हमारी काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी, और भी जो हमारी मतलब वो रेगुर काली हो गई है, उसके बाद हम बात करते हैं काली पीली मिश्रित था। तो इस प्रकार से जो 3 और 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, वो सभी मिट्टियां हैं, उन सभी के सम्मिश्रण को हम मिश्रित मिट्टी के क्षेत्र में रखते हैं। मध्य प्रदेश के 5 क्षेत्रों में मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये मिश्रित मिट्टी का भी एक क्षेत्र आता है। उसके बाद हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी की, तो लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश हम लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी 1 हो जाएगी, काली मिट्टी 2 हो जाएगी, इसमें तीनों क्षेत्र आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिश्रित मिट्टी की, तो हमारा तीसरा क्षेत्र हो जाएगा। यदि हम लाल पीली मिट्टी की बात करेंगे तो हमारा चौथा क्षेत्र आ जाएगा। और एक मिट्टी और हम देखने वाले हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी वही
नदियों घाटियों के कछार में हम नर्मदा सोन के क्षेत्र में तथा तो ऊपर हमारे चंबल नदी की घाटियों के क्षेत्र में कछारी मिट्टी को हम देख सकते हैं, जो कि पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार है मध्य प्रदेश की मिट्टी का, कछारी मिट्टी। ये जो प्रकार है पांचवा कछारी मिट्टी का, मैंने इस मैप में स्पेशल इसको शो नहीं किया है। यदि हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हम इसको देख सकते हैं, उसके बाद कुछ हद तक हम नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। तो जहां जहां भी नदियां अपने जल बहाव के साथ कुछ मृदा कुछ कंकड़ पत्थर बहा के लाती है, और अपने वो जहाँ उसका मतलब बहाव का क्षेत्र धीमा हो जाता है या मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहां पर हल्की कछारी मिट्टी की परत बनाती है, और उन्हें हम क्षेत्रों को कछारी मिट्टी कहते हैं। तो नदियों द्वारा अपरदित मिट्टी को हम कछारी मिट्टी कह सकते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की पांचों मिट्टियां हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिट्टी के निर्माण की। यदि मिट्टी के निर्माण की बात करते हैं, मिट्टी के निर्माण की हम बात करते हैं, तो मिट्टी का निर्माण विभिन्न पर्वतों पठारों के अपरदन, अत्यधिक वर्षा के होने से धूल के कणों, साथ साथ हम देखते हैं आर्द्रता, मिट्टी में नमी और उस क्षेत्र की जो विविधता है, क्षेत्रीय विविधता, इन सभी पदार्थों के या इन सभी चीजों के संयोग से मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पदार्थों के अलग अलग मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वातावरण के होने से इसका मिट्टी पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है तो वहां पर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि उसके उपजाऊ क्षमता है वो वर्षा की मात्रा एक सीमित होती है, तभी टिक पाती है। क्योंकि यदि ज्यादा वर्षा होगी तो उसकी ऊपरी परत धुल जाएगी, बह जाएगी, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग हम वातावरण वाले क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां पर वनस्पति विविधता को देखते हैं, वो इसी कारण हम देखते हैं। एक शब्द है इसके लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो शब्द मैं भूल रहा हूँ, यदि मुझे याद आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात मध्य प्रदेश की पांचों मिट्टियों की हमने बात करी है, इसमें सबसे मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र में हम देखते हैं काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी की हम बात करते हैं, हमने तीन पार्ट में देखा है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी फैली हुई, लगभग 47.6% क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी, 47.6% क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी है। मध्य भारत के पठार के दक्षिण क्षेत्र में तो उत्तरी मालवा के पठार के संपूर्ण क्षेत्र में हम साधारण काली मिट्टी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। मालवा की हम बात करते हैं तो इसके अंदर वही हम देख सकते हैं, हम मंदसौर नीमच तो ऊपर रह जाता है हमारे मध्य भारत के पठार में, लेकिन हम मंदसौर का कुछ क्षेत्र हम देख सकते हैं। उसके बाद नीमच, उज्जैन, धार, देवास, इधर हम देख सकते हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, साथ में ये हमारा राजगढ़, इधर धार, देवास, इंदौर हो गया। इस प्रकार से हम सभी जिलों को देख सकते हैं। तो जो कि उत्तरी मालवा के क्षेत्र में आते हैं वे तो सभी जिले इसमें आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गहरी काली मिट्टी, तो इसका कुछ क्षेत्र सतपुड़ा के पश्चिमी क्षेत्र में देख सकते हैं। तो गहरी काली मिट्टी, इसकी उपजाऊ क्षमता भी अच्छी होती है। यदि हम संपूर्ण मिट्टियों की बात करते हैं, संपूर्ण काली मिट्टी की बात करते हैं, तीनों पार्ट को अलग न करते हुए, तो ये प्रदेश या देश की दूसरे नंबर की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पहले नंबर पे आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे उपजाऊ होती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा या यूं कहें कि नदियों के अपरदन के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और क्षेत्र में वनस्पति कम पाई जाती है। यदि इस मिट्टी को सुरक्षित रखा जाए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के रूप में हम जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे। दूसरे नंबर पर आती है हमारी काली मिट्टी। पहली साधारण काली की हमने बात करी है कि ये क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। दूसरे में हम बात करेंगे गहरी काली मिट्टी की, तो साधारण काली मिट्टी हल्की चिपचिपी होती है। यदि काली मिट्टी संपूर्ण क्षेत्र की भी हम बात करेंगे तो वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा इसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, और जब बरसात बंद हो जाती है या पर्याप्त मात्रा में से धूप मिलती है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इस कारण इस मिट्टी को या काली मिट्टी को या रेगुर मिट्टी को, इसके प्रादेशिक नाम भर्री, कनहर जैसे भी हम नाम देखते हैं, तो काली मिट्टी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिक दरारें पड़ जाती है। मतलब जब धूप लगती है, तेज धूप मिलती है इसको पर्याप्त मात्रा में, तो इसमें दरारें पड़ जाती है, और इसी कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो उसके बाद हमने गहरी काली मिट्टी की बात करी है, तो सतपुड़ा के दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करते हैं, और नदियों के कुछ मतलब नदी घाटियों के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की हम बात करते हैं तो लोहे की अधिकता, तो काला रंग होने, लोहे की अधिकता के कारण इसका काला रंग होता है काली मिट्टी का। यदि हम बात करते हैं काली मिट्टी क्यों है, रंग काला क्यों है,
लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। काला रंग लोहे की अधिकता से हम देखते हैं। मैग्नीशियम, पोटास और एल्यूमिनियम की इसमें कमी होती है। मैग्नीशियम, पोटास और एल्यूमिनियम सॉरी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण भी ये काली होती है। और इसके तीन पार्ट हम देखते हैं, जिस क्षेत्र में कम मात्रा में पाया जाता है वहां पर थोड़ी साधारण हो जाती है, जहाँ अत्यधिक पाया जाता है वहाँ गहरी हो जाती है, जहाँ बिल्कुल सामान्य मात्रा में पाया जाता है वहां पर साधारण देख लेते हैं हम। इसलिए काली मिट्टी का हम निचले क्षेत्र में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। यदि काली मिट्टी की बात करते हैं हम तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस से तात्पर्य वही है कि जीव जंतुओं के सड़ने गलने से जो बना हुआ पदार्थ है, ये जो जैविक पदार्थ है उसे हम ह्यूमस कह सकते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस को लगभग आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और पोटाश, चूना पत्थर वगैरह की इसमें, चूने की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है, इसी कारण ये काली मिट्टी होती है। लोहा, पोटाश, बाकी जो चीजें हैं इसमें एल्यूमिनियम वगैरह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं छिछली काली मिट्टी की। तो छिछली काली मिट्टी सबसे दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे साधारण काली मिट्टी की। साधारण काली मिट्टी लगभग 47%, उसके बाद गहरी काली मिट्टी प्रदेश के 3.5% क्षेत्रफल में मिलती है। 3.5% क्षेत्रफल में लगभग 35 लाख, 35 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में हमें गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। लगभग 35 लाख हेक्टेयर में गहरी काली मिट्टी 46.6 लगभग 400 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हेक्टेयर में हमें साधारण काली 400 लाख, गहरी काली लगभग 3.5% क्षेत्र या 35 लाख में, तो कमी क्षेत्र घेरती है। छिछली काली की हम बात करते हैं तो 7.1% क्षेत्र पर लगभग 70 से 75 लाख। छिछली काली मिट्टी लगभग मध्य प्रदेश का 7.1% और 70 से 75 लाख हेक्टेयर में यह पाई जाती है, ठीक है। तीनों मिट्टियां हो गई है। ये हम नीचे देखते ही हैं, खंडवा, खरगोन और ये हमारा नीचे वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमें मिट्टी मिल जाती है। खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी वाले क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से छिछली काली मिट्टी के क्षेत्र हम कह सकते हैं। इधर बुरहानपुर को भी हम ले सकते हैं, तो ये नीचे नीचे वाला क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं सतपुड़ा, मेकाल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है नीचे वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आज बात करी है काली मिट्टी की, जिसमें तीनों काली मिट्टी के तीनों पार्ट को हमने देखा है। गहराई की बात करते हैं तो साधारण काली मिट्टी 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक यह पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो 1 से 2 मीटर तक इसको हम देख सकते हैं। यदि इसकी हम बात करते हैं तो लगभग वही छिछली काली मिट्टी हम 1 मीटर तक देख सकते हैं, इसको लगभग हम 1 मीटर तक देख सकते हैं। यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विवरण इतना सुस्पष्ट नहीं है, जिस कारण हम देखते हैं कि साधारण काली मिट्टी वही हमें निमाड़ के क्षेत्र में, खंडवा, खरगोन वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि बाद में हमारा कंफ्यूजन होता है कि ये फसलें इस मिट्टी में होती है मुख्यतया, तो फिर अत्यधिक उत्पादन इस क्षेत्र में कैसे होता है, तो कहीं कहीं इन मिट्टियों का आदान प्रदान हमें को देखने को मिलेगा। एक परफेक्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि यही सीमा है इस मिट्टी की, क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर हम छोटे छोटे लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे विभाग या बहुत सारे पार्ट मिट्टियों के, बहुत सारे टाइप मिट्टियों के निकल के हमारे सामने आ सकते हैं। तो हमने मुख्य बड़े रूप में 5 पार्ट को देखा है। इस छठे के रूप में हम देखना चाहें तो लेटराइट को भी हम देख सकते हैं। ये अगले क्रम में हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत का संपूर्ण क्षेत्र हम बात करते हैं, मध्य भारत के पठार का संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है। ये मध्य भारत का क्षेत्र है जो कि आपने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में पहले देख लिया होगा, नहीं देखा तो पिछले वीडियो में देखना, मैंने इसको पूरी तरह से बताया है। बुंदेलखंड के नीच, क्योंकि यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, तो बुंदेलखंड के नीच
एवं और संगमरमर की चट्टान वाला क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित है। हाँ, हम जानते हैं यहाँ पर, यहाँ से लगभग हमारी चंबल नदी निकलती है जो कि भिंड मिरौना शोपुर वाले क्षेत्र को छूते हुए निकलती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे भी बनाती है चंबल नदी। तो चंबल के निक्षेपों द्वारा निर्मित ये क्षेत्र हम जानते ही हैं कि इन तीन चार जिलों में भारी उत्खात वाली भूमि का निर्माण चंबल ने किया है, गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण किया है जो कि डाकुओं की शरणास्थली रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं चंबल का बहुत बड़ा योगदान हम इस क्षेत्र में देखेंगे। इस क्षेत्र की मिट्टियों के निर्माण में चंबल द्वारा देखते हैं हम, और प्रदेश के लगभग 30 लाख हेक्टेयर हम देख सकते हैं इसको, 30 लाख हेक्टेयर भाई, 3% हम मान सकते हैं कि लगभग 3% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, इसी कारण इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि वनस्पति की विविधता नहीं होती है, वनस्पति की अधिकता नहीं होती। उसका एक मुख्य कारण यही है कि क्षेत्र में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस और जैविक तत्वों की कमी जहाँ होगी, जहाँ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी, वहां पर वनस्पति का सुचारू रूप से उगना और बढ़ना संभव नहीं हो सकता है। इसी कारण यहाँ पर वनस्पतियों की अधिकता और विविधता नहीं होती है, वनस्पति कम मात्रा में कम क्षेत्र पर पाई जाती है। लेकिन सबसे उपजाऊ मिट्टी की हम बात करें, इसके संरक्षण करके अगर हम किसी उपजाऊ मिट्टी को बचाते हैं तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के रूप में हम जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे। हमने पहले नंबर पे काली मिट्टी को देख लिया है, दूसरे नंबर पर हम जलोढ़ मिट्टी को देख रहे हैं। तो हम इसकी इतनी बात कर सकते हैं, इसकी सतह बलुई दोमट हम देख सकते हैं, लगभग 50% क्षेत्र में इस मतलब लगभग 50% इस मिट्टी के अंश में हम बालू को या मृदा मृतिका को देख सकते हैं जो कि महीन कण होते हैं। उन महीन कणों के कारण इसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो जाती है और इसी कारण इसको सबसे उपजाऊ मिट्टी हम कह सकते हैं। तो इसके इसके टॉपिक में हम इतनी बात करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं कछारी मिट्टी। तो हमने कहाँ लिखा था कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी की हम बात करते हैं तो वही नदियों के अपवाह क्षेत्र में बात करते हैं। तो वापस कछारी मिट्टी देखिए, मैंने ये क्षेत्र आपको बताया था, कछारी मिट्टी हम यहाँ देखने को मिल सकती है, नदियों के अपवाह क्षेत्र में हम यहाँ देख सकते हैं कछारी मिट्टी को। तो इस प्रकार से कछारी मिट्टी हमने, मैंने अभी आपको बताया ये कि मध्य प्रदेश को हमने इतना विस्तृत नहीं बांटा बांटा है मिट्टियों के आधार पर या भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर, तो ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं। अगर मैं आपको मैप में बताना चाहूँ तो इन्हें हम कछारी मिट्टी के क्षेत्र कह सकते हैं, जिनमें हम मोटी फसलों के उत्पादन मक्का जो और हम कहना चाहें तो सरसों जो बारीक फसल है, लेकिन वो तो कछारी मिट्टी में कम पानी वाले क्षेत्र में या कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो सकती है, उन फसलों को हम कछारी मिट्टी में देख सकते हैं। लगभग मध्य प्रदेश के 2 से 2.5% क्षेत्र में हम इसको देख सकते हैं, या लगभग 10 से 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कछारी मिट्टी, ये भी एक मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है, 10 से 15 लाख हेक्टेयर में मिलती है, कह सकते हैं 1 से 1.5% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और अनाजों की हम बात करते हैं तो इसमें आप मोटे अनाज को देख सकते हैं, ये चीजें इसके मुख्य हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, कछारी मिट्टी हो गई है, जो कि मिट्टियों के तीन प्रमुख प्रकार है। चौथे मिट्टी में हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। तो लाल पीली मिट्टी का संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, इसमें हम लाल पीली मिट्टी को देखते हैं। और इसमें हम यहाँ पर बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों को देखेंगे, रीवा पन्ना का संपूर्ण पठार देखेंगे, बघेलखंड वाले क्षेत्र को हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ जो हमारा गया है 1 नवंबर 2000 के बाद, तो कुछ बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश में बचा हुआ है, तो बघेलखंड क्षेत्र को देख सकते हैं। बाकी जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र को भी हम इसी में देखते हैं, लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्र में। तो तीन चार हमारे मतलब जो भूमि के मतलब विशेष जो भौगोलिक वर्गीकरण के पार्ट हैं उनको मिलाकर हमारा ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र बनता है। इसमें हमने बात कर ली, इसके बाद लगभग 400 लाख एकड़, वही सेम है इसमें जैसे कि हमने काली मिट्टी का क्षेत्र देखा था, 400 लाख एकड़ की हम बात करें, यदि हम बात करें तो लगभग 45 से 47% क्षेत्र पर ये हमारी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और नहीं, 45 से 47 नहीं, इसको लगभग 33 से 40, 400 लाख एकड़ हो रहा है तो 37 से 40% क्षेत्र पर हम इसको देख सकते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में
आर्कियन गोंडवाना विंध्य क्रम और धारवाड़ क्रम। आर्कियन गोंडवाना विंध्य क्रम और धारवाड़ क्रम चारों क्रम या इससे और भी हमारे जो क्रम रहते हैं हम चट्टानों के वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं उन सभी क्रमों से मिलाकर के हर प्रकार की चट्टानों से मिलाकर के इस लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसी कारण इसका रंग कहीं हल्का भूरा कहीं हल्का लाल कहीं हल्का पीला सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रित स्वरूप हम लाल पीली मिट्टी कह सकते हैं। हालांकि मिश्रित मिट्टी को हम यहाँ पर पांचवें पार्ट के रूप में पढ़ने वाले हैं तो वह इन्हीं सभी मिट्टियों का एक सम्मिलित रूप होगा। यहाँ से हम जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को टच करेंगे, यहाँ पे हम काली मिट्टी को करेंगे, इधर से लेटराइट को करेंगे, इधर से लाल पीली को करेंगे और एक मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र भी हम मध्य प्रदेश में देखने वाले हैं। इस प्रकार से चौथे हमारी लाल पीली मिट्टी हो गई है और इन सभी चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद हमारी लास्ट मिट्टी बचती है और इन सभी चट्टानों के ऑक्सीकरण से हम देख सकते हैं कि हमें लाल पीली मिट्टी मिलती है। अधिकतर हल्की बलुई और कहीं कहीं चिकनी दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। इस सभी मिट्टियों के थोड़े थोड़े शब्दों को या थोड़े थोड़े अंश को उठाकर हम लाल पीली मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से मिश्रित मिट्टी को भी देखने वाले हैं। नदियों के द्वारा अत्यधिक अपरदन निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण सबसे बड़ी बात हम यहाँ देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में तो पर्वत एवं पठारी ढाल अत्यधिक है, वर्षा अत्यधिक होती है जिस कारण मिट्टी में अत्यधिक ढलान वाला क्षेत्र है तो उर्वरक क्षमता थोड़ी कम ही होती है तथा साथ ही वहां पर अत्यधिक अपरदन होता है जिससे कि उर्वरक जो कण रहते हैं मृदा के वो सभी बहकर तलहटी में चले जाते हैं जो कि किसी पर्वत पहाड़ या मैदानी भाग में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो मैदानी भाग में चले जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर कुछ क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाती है लेकिन उतनी विशेष रूप से खेती यहाँ पर नहीं की जाती है। कहीं कहीं हम देखते हैं गेहूं सरसों या मुख्य रूप से चावल का क्षेत्र हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में यदि हम उत्पादन के आधार पर हम बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र को एक पर्टिकुलर उत्पादन के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन के आधार पर डिसाइड करके लेकिन फिर भी हम यहाँ कपास के उत्पादन को भी देख सकते हैं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में सरसों के उत्पादन, किसी क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन को, किसी क्षेत्र में हम सोयाबीन के उत्पादन को छोटी मात्रा में देख लेंगे। इस प्रकार से हम कहें तो सभी फसलों का उत्पादन हम इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करते हैं एक क्वेश्चन बनता है तो हम चावल का उत्पादक क्षेत्र इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लास्ट हमारी जो बची है मिश्रित मिट्टी, पांचवी हमारी बची है जो आखिरी मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी की हम बात करते हैं तो वही विंध्य प्रदेश का क्षेत्र या हम कहें बुंदेलखंड का क्षेत्र, रीवा पन्ना का क्षेत्र, मालवा के कुछ क्षेत्र को हम देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों मिट्टियों की जो काली मिट्टी के क्षेत्र है, लेटराइट मिट्टी का कुछ क्षेत्र है, लाल पीली मिट्टी का कुछ क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की सभी क्षेत्रों में हम लगभग कमी ही देखते हैं। इस कारण ये उपजाऊ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। रीवा पन्ना सतना टीकमगढ़ में मुख्यतः हम इसको देख सकते हैं, यही रीवा पन्ना सतना टीकमगढ़ मंडला वाला क्षेत्र यही है हम इनको देख सकते हैं। हालांकि मंडला बालाघाट यहाँ है लेकिन वापस मिश्रित मिट्टी का कुछ पार्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर भी ज्वार बाजरा मक्का जैसे बड़े मोटे अनाज को हम उत्पादित कर सकते हैं क्योंकि इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो मुख्य रूप से हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों में देखते हैं सबसे बड़ा योगदान काली मिट्टी का होता है या हम कह सकते हैं कि मालवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि लगभग 47.6% क्षेत्रफल या 50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उसके बाद छोटे छोटे रूप में हम सभी मिट्टियों को मिलाकर लगभग मध्य प्रदेश के संपूर्ण उत्पादन का 50% हम वापस बना सकते हैं लेकिन सबसे मुख्य उत्पादक है तो क्षेत्र है मालवा का पठारी क्षेत्र। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में या हम यह कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है जिसका विस्तार छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट जिलों में है। ठीक है, लेटराइट को हम बालाघाट जिले में भी देखते हैं। मैंने यहाँ पर मैप में मैं मतलब अच्छे से इसको वर्गीकरण नहीं कर पाया हूँ तो लेटराइट मिट्टी को मैंने कुछ ज्यादा क्षेत्र में बता दिया है लेकिन इसकी लोकेशन एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। तो छिंदवाड़ा सिवनी की तो लोकेशन आ रही है लेकिन बालाघाट थोड़ा सा साइड में रह गया है। तो इस प्रकार से आप देख लेना कि छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट जैसे जो जिले हैं वो लेटराइट मिट्टी के हैं और ये अम्लीय मिट्टी है तथा इसमें भी मोटे अनाज बोए जाते हैं। तो अत्यधिक जहाँ क्षेत्र है ये वाले लाल पीली मिट्टी का, मिश्रित मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का
ये जो क्षेत्र इनमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस प्रकार से हमने आज मध्य प्रदेश की मिट्टियों के इस टॉपिक को पूरा किया है और अगले क्षेत्र मतलब अगले टॉपिक के रूप में हम मध्य प्रदेश की कृषि को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूँ मध्य प्रदेश की पांचों मिट्टियां कौन कौन सी हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले लेना। मध्य प्रदेश की पांच प्रकार की मिट्टियां हैं, शायद आप नोट नहीं कर पाए हो तो पहले इन मिट्टियों के प्रकार का वर्गीकरण मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पांच प्रकार की मिट्टियां हैं। पांच प्रकार में पहला काली मिट्टी का क्षेत्र आएगा, दूसरा हम बात कर सकते हैं काली मिट्टी के बाद जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आएगा, लाल पीली को हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पछारी मिट्टी को जो कि बहुत ही कम क्षेत्र में लगभग 1% क्षेत्र में हम देख सकते हैं। पांचवें में हम देखेंगे मिश्रित मिट्टी को। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के वर्गीकरण में ये पांच प्रकार की मिट्टियां हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। इनको हमने पांच प्रकार के वर्गीकरण में रखा है। हम यहाँ पर लेटराइट मिट्टी को भी देखेंगे, बाकी और मिट्टियों को भी देखेंगे, तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के वर्गीकरण में हमने उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन छोटे तौर पर हमने उसको पढ़ा है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये मध्य प्रदेश की मिट्टियों का टॉपिक पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश में कृषि और सिंचाई जैसे छोटे इस टॉपिक के साथ।